दोस्तों आज मैं जा रही हूँ अपने किचन गार्डन में। मुझे अपने किचन गार्डन से लेनी है सब्जियाँ। टमाटर बहुत पक गए हैं जो कि मुझे तोड़ने हैं। अगर मैंने नहीं तोड़े तो वो वहीं सड़ने लगेंगे, तो इसलिए मुझे जाना है किचन गार्डन अपने और लाने हैं टमाटर। तो देखिए, चलिए आपको भी अपने किचन टूर का तो चलिए आपको भी अपने किचन टूर का टूर कराती हूँ। वैसे तो मैंने कई बार किया कराया हुआ है आपको, और आज टमाटर ही देख लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए चलते हैं किचन के टूर पर। दोस्तों आज हूँ मैं अपने किचन गार्डन में, और हमारे पेड़ टमाटर का पेड़ है हमारा टमाटर। दोस्तों आज हूँ मैं अपने किचन गार्डन में, और हमारे यहाँ लग रहे हैं बहुत सारे टमाटर जो कि पक गए हैं, और आज मैं उन्हें तोड़ूँगी। देखिए ये देखिए, बहुत सारे पक रहे हैं, अगर नहीं तोड़े तो ये खराब हो जाएंगे। ये मेरा किचन गार्डन है, दिखाया है मैंने आपको अपनी वीडियोस में कई बार। देखिए बैंगन भी लग रहे हैं। ये देखिए इस तरह से, अगर मैं छोड़ दूंगी तो कीड़े खा जाएंगे, इसलिए मुझे अभी तोड़ने होंगे।
दोस्त, वो देखिए इतने सारे टमाटर निकले हैं हमारे गार्डन में, इतने सारे टमाटर निकले हैं हमारे किचन गार्डन में। और अब मैं बनाऊंगी इसका टमाटर सूप। इन टमाटरों को हम कई तरह से यूज़ कर सकते हैं या स्टोर भी कर सकते हैं। इन्हें हम पीस कर और फ्रिज में जो आइस ट्रे होती है उसमें उसका पल्प को जमा कर और फ्रीज़ कर सकते हैं। जब हमें कोई ग्रेवी बनानी हो, बस उन पीसेस को निकालिए जितने आपको चाहिए और उन्हें यूज़ कीजिए। और टमाटो सूप बनाइए, कुछ भी कर सकती हैं उस पल्प को। आप डेली सब्जी में यूज़ कर सकती हैं और किसी भी चटनी में या किसी में भी आप इसके पल्प को यूज़ कर सकती हैं और काफ़ी दिन चलेगा। तो दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगी। और आज मैंने अपना किचन गार्डन का टूर भी कराया। देखिए, बहुत पसीना आ रहा है क्योंकि गर्मी बहुत है और बाहर तो वैसे भी बहुत गर्मी होती है। तो वहीं से मैं आ रही हूँ अपने किचन गार्डन से अपने टमाटर लेकर। तो दोस्तों, ये आज की मेरी वीडियो है। आई होप आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।